दृष्टि है वो काफी चौकन्नी और बहुत उम्दा पारी अब तक देखने को मिली है। इस बार ये गेंद ऑफस्टंप के बाहर, किसी भी सेंटर के पास कोई समय नहीं था, गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्ड। हार्दिक पंड्या को एक बार फिर से सामना करेंगे। ये गेंद इस बार बहुत शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है हार्दिक पंड्या ने, थोड़ी ओवर पिच के अंदर उसे बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से इंफिनिटी सिक्सर के लिए खेला हार्दिक पंड्या ने। क्या शानदार स्ट्रोक इस बार देखने को मिला, काफी देर के बाद लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला है हार्दिक पंड्या के द्वारा। छेड़नों से स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंचा है 48 रन तीन खिलाड़ी के उठने के बाद। इस इनिंग का, इस फाइनल मैच का ये दूसरा सिक्सर लगता हुआ और कुल मिलाकर 114 हुआ ये सिक्सर। क्या शानदार, मनोज मारवाड़ी एक बार फिर से फरट्टा रन से ओवर पिच के अंदर, क्या शानदार तरीके से फिर से उसी दिशा में दूसरा सिक्सर, इंफिनिटी सिक्सर हार्दिक पंड्या के द्वारा, लगातार दो गेंदों में दो सिक्सर, क्या शानदार बल्लेबाजी। और उसी के साथ धलिका निगल के 50 रन भी पूरे, काफी देर के बाद कुछ आक्रामक स्कोर देखने को मिले हैं धलिका निगल के हार्दिक पंड्या के द्वारा लगातार दो सिक्सर। फिर से एक बार सामना करेंगे, ये गेंद एक बार फिर से, क्या शानदार, इस बार तो ऐसा लगा कि गेंद आसमान को छूने जा रही है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन सिक्सर, आज के दिन का नहीं इस टूर्नामेंट का ये सबसे ऊंचा सिक्सर है। ऐसा लगा कि जैसे गेंद आसमान में जो भगवान भी देख रहे हैं उनसे बात करने के लिए जा रही थी, लेकिन वापस आ गई लाल बहादुर शास्त्री मैदान के ऊपर। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या आकर्षक बल्लेबाजी, काफी देर के साथ बल्ला बांधा हुआ था उसे हार्दिक पंड्या ने अब लगातार तीन सिक्सर मारकर।